ललिता की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि खाने में कौन सा तेल आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है वही तेल यूज़ कीजिए। चलिए बताती हूँ आपको। दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ मैं। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरा वीडियो पसंद किया। और मेरे पास कितने व्हाट्सएप आए, सबने मतलब मुझे काफ़ी प्यार दिया, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा खुश तब हुई कल कि सिंगल परिवार के हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे चाचा जी ने हमें फ़ोन करके बोला कि ललिता तुम बहुत अच्छा काम करती हो, ऐसे ही करती रहना। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपको प्रणाम करती हूँ चाचा जी। आप मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो, आपसे ही हम सीखते हैं। तो आप हमें कुछ बोलते हो तो आगे करने का मन करता है कि कुछ अच्छा करें। और मैं अच्छा कोशिश करूँगी, मैं अच्छा करूँगी। मन में कभी भी कुछ आए अच्छा करने का तो करते रहिए। और मैं सभी फ्रेंड्स का दिल से थैंक्स, इतनी फ्रेंड्स है सबका दिल से थैंक्स। अनीता बांसल, अनुपम, ममता और काफ़ी फ्रेंड्स है, सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले पा रही। सबको दिल से थैंक्स। और मेरी एक फ्रेंड्स है अनुपम, उसने मुझे कल एक ऑडियो सेंड किया और वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, ज़रूर सुनिए। मैं तो हंस हंस के कल रात को पागल हो गई, मैंने 2-3 बार उसे सुना, आप भी सुनिए प्लीज़। अनु गुस्सा नहीं होना। ये दोस्ती का प्यार ही है। दोस्त होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं कि क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। एक दोस्त वही अच्छा होता है जो हमें सही राह दिखाता है, जो गलत होता है वो गलत बताए, जो सही होता है सही बताए। श्योर यार, पर मुझे डाइट प्लान जरूर भेज दे यार, क्या करूं, मेरा मन बड़ा लग जाता है, कुछ चटपटा खा लूं। हालांकि मैं कंट्रोल्ड डाइट लेती हूं, खुद भी अवेयर हूं, बट फिर भी क्या करूं, ये मन है ना, कभी कभी तो काले गुलाब जामुन खाने का इतना मन करता है यार ललिता, मैं कहती हूँ छोड़ डाइटिंग, जाए पहाड़ में। ओके, मैं यही कहूंगी, डाइटिंग को नहीं छोड़ो, आप कंट्रोल करो, कंट्रोल से ही आप सक्सेस हो सकते हो। कल मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने रात को लास्ट टाइम 10 बजे देखा और मैं काफ़ी खुश हुई देख के कि सबने मेरा वीडियो पूरा वॉच किया है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी ऑयल के बारे में। आप खाना बना लेते हो अच्छे से और अपनी डाइट वाला खाना बना लेते हो, गलती कहाँ करते हो ऑयल के ऊपर। प्रिकॉशन इज बेटर देट देन क्योर। सावधानी बरतें तो सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। बस समस्या आती है जब आप खाना बनाते हो तेल कौन सा यूज़ करते हो। मैं आज उसी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने रात को सोचा कि मैंने डाइट के लिए बताया, लेकिन अब मैं अगला वीडियो बनाऊँगी तो तेल के लिए बताऊँगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी किचन का साथी, जो सबसे मेन है वो है ऑयल। आपको दो ऑयल के बारे में बताती हूँ। एक है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, और जिसे आप कच्ची घानी भी बोलते हो, और एक है रिफाइंड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। इसको यूज करते हुए मुझे 11 से 12 साल हो गए। जितना मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिना नॉलेज के आदमी कोई ज्ञान नहीं बांट सकता। जब थोड़ा सा नॉलेज है वही ज्ञान बांट सकता है। आप, मैं उसको ज्ञान भी नहीं बोलूँगी, आप मोटिवेट हो जाओगे उससे। आपको किसी से कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है तो आपका भी मन करता है कि हाँ मुझे भी अमल करना चाहिए, और डिपेंड है कि वो अमल करेगा कि नहीं। तो मैं आपके साथ दो तेल के लिए ये बात शेयर करना चाहूँगी, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ये ऑयल बहुत मतलब ये बीज से बनता है, और एकदम इसको बनाने की जो प्रक्रिया है
धीमी रफ्तार से बनता है ये, और ये दबा दबा के मशीन में बनाया जाता है, और इसलिए धीरे बनता है तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये ऑयल काफ़ी अच्छा होता है, खाने में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही यूज़ करना चाहिए, यानी कच्ची घानी का तेल ही यूज़ करना चाहिए। मेरे को यूज करते हुए रियल में 11-12 साल हो गए, मेरे घर में कोई दूसरा तेल नहीं आता, और उसकी मात्रा थोड़ी ही लेनी चाहिए। जब भी आप खाना बनाओगे तो उसकी मात्रा थोड़ी लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। और वो ऑयल फिल्टर करके बस बोतल में सिर्फ सीधा भर दिया जाता है, उसमें न्यूट्रिशंस मिनरल्स सब मौजूद होते हैं, इतना बढ़िया तेल होता है। और उसमें जो चिकनाई की, जो आप उसको हाथ लगाओगे तो इतना मतलब अच्छा होता है, उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है। और आप एक चम्मच, जैसे पीनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, आप उसका 1 टीस्पून ऑयल पी भी लोगे तो आपको पीनट वाली फीलिंग आएगी। और आप मार्केट से जो पीनट ऑयल लाओगे, यानी रिफाइंड ऑयल पीनट का, वो आप हाथ लगा के देखो, स्मेल नहीं आएगी उसमें। यही फर्क होता है। रिफाइंड ऑयल 200 डिग्री टेम्परेचर पर पकाया जाता है, और उसको 2 बार पकाया जाता है, 2 बार, और उसके सब मिनरल्स सब विटामिन सब सब खत्म, और जो स्मेल है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहूंगी रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल यूज ना करें, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करें, जो काफी फायदेमंद होता है और आपकी किचन का साथी बना रहेगा जब आप एक बार यूज करोगे तो। और इसकी क्वांटिटी हमेशा कम ली जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि कटोरी भर के तेल में खाना बनाते हैं। आलू मटर की सब्जी मैंने देखी एक बार, कटोरी भर के तेल में बनाई, और मैं आलू मटर को मैंने देखा कि वो नीचे डुबकी खा रहे हैं और ऊपर तेल। ये आपका भ्रम है कि तेल ज़्यादा डालने से खाना अच्छा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मसाले अच्छे से भुनिए, यूज कीजिए, और कम तेल में खाना बनाइए, खाना अच्छा बनेगा। ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि बहुत भर भर के तेल डालो तो खाना अच्छा बनेगा, खाना अच्छा नहीं बनेगा। और आप यदि घी में खाना बनाते हो तो कम घी में बनाएं, और किसी को अच्छा लगता है कि ज़्यादा घी में खाना बनाएं, तो आप सब्जी बनने के बाद ऊपर से घी डाल के थोड़ा सा दे दीजिए, तो आपका पूरा परिवार सेफ रहेगा, कम घी खा पाएगा। जितना मतलब किसी को शौक होता है ऊपर से घी खाने का, तो आप उसका अलग से घी डाल दीजिए। लेकिन आप तेल भर भर के सब्जियां बनाओगे, खाना बनाओगे, तो आपके शरीर की हालत वो होगी, आगे आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या हुआ ये, और आपको इतनी बीमारियां घेर लेगी तो आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद मैं बात करूंगी कि तेल को आप, जैसे कोई आप पूरी बनाते हो, उस तेल को आप फिर से यूज करते हो। मेरे ख्याल से मैंने काफी जन को देखा है यूज करते हुए। पहले मैं भी करती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी दूध की धुली हुई हूँ, मैं भी करती थी। लेकिन जब से मुझे पता चला, 7-8 साल पहले मुझे पता चला, प्रीति जैन आपका थैंक्स कि आपने मुझे ये सब कुछ नॉलेज दिया, मुझे बताया। आज भी मैंने प्रीति जैन से बात की और सब उन्हीं से मैंने नॉलेज लिया। मैं पढ़ती थी, इतना नॉलेज नहीं था जितना मुझे प्रीति जैन ने दिया। थैंक्स प्रीति जैन। और उन्होंने मुझे बताया, भाभी प्लीज तलने के बाद कभी भी ऑयल को यूज नहीं करना, वो तेल आपके हार्ट के लिए नुकसान है, आपकी जो पैरों में दर्द रहता है उसके लिए नुकसान है, और आप शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल सब उसके लिए, तो ये जहर है, आप उस तेल को यूज ना करें। और आप जब भी यूज करें, आप घी को फिर से यूज कर सकते हो, घी ऐसा है जो आप उसको फिर से यूज कर सकते हो। यदि आप तेल को यूज करोगे तो वो आपके लिए घातक हो सकता है, प्लीज तेल को यूज न करें। और आप यूज उतना ही करें जितना आपकी कढ़ाई में डिप हो जाए सामान, जो भी आप बनाते हो उतना यूज करें, उससे ज्यादा यूज ना करें। तो मैं यही कहना चाहूंगी सबको, आप जब भी तेल यूज करें, कोल्ड प्रेस तेल यूज करें। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप किसी पार्टी में जाते हो, एक तरफ होता है रियल का जूस, एक तरफ होता है ओरिजिनल जूस, तो आप कौन सा जूस लेंगे? हाँ, ओरिजिनल ही लेंगे ना, रियल का जूस क्यों लेंगे भाई? उसमें आगे ही इतना खतरनाक जहर भरा हुआ है, आप उसे क्यों लेंगे?
वही मैं बोल रही हूँ, आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कीजिए, रिफाइंड ऑयल को बाहर कीजिए। मेरी बातें आपको ऐसा लग रहा होगा, ललिता तो पागल हो चुकी है। ललिता पागल नहीं हुई है, ललिता ने जो यूज़ किया है, ललिता वही आपसे शेयर कर रही है। तो मैं सबसे यही सुझाव दूंगी कि आप खाने में यदि आप रिफाइंड ऑयल यूज भी करते हो तो कटोरी भर भर के उसे यूज ना करें। उसके बाद कटोरी भर भर के उसमें मलाई ना डालें, मक्खन ना डालें, घी ना डालें, और आप अपने परिवार को जहर परोस रहे हो। प्लीज बंद कीजिए ये सब खाना, और आप खाना खाएं और अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं। मेरा मन इतना था कि आज मैं इतना बताऊंगी, मैं सारा भूल गई मैंने आज क्या बताना था। और मैं अब धीरे धीरे कुकिंग की जो भी सामान है मैं आपको बताती रहूंगी कि मैंने 24 दिन में अपना वजन कैसे कम किया। सत्तू ड्रिंक आप गर्मी में जरूर लें, सत्तू ड्रिंक से आपकी जो बॉडी में हीट है वो कम होगी, आप भी कोल्ड रहोगे, बॉडी भी कोल्ड रहेगी। और जौ का जो सूप होता है वेजिटेबल डाल के, मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं परसों जरूर अपलोड करूँगी, आप जरूर देखिएगा जौ का सूप वेजिटेबल डाल के, और आपका वजन कितनी जल्दी कम होगा। और मैं लास्ट में यही कहूँगी, सब्जियों में तेल कम डालिए और अपना भ्रम दूर कीजिए कि तेल ज़्यादा डालने से सब्जी अच्छी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेल कम डालोगे तो भी सब्जी अच्छी बनेगी। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक सबको इकट्ठा चरण कीजिए और इकट्ठा भूनिए। आपकी जो सब्जी है उसको मॉइस्चर मिलेगा और आपको तेल ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, आपको घर में बीमारी को नहीं पालनी, आप तेल ज़्यादा बंद कर दीजिए, कोल्ड प्रेस तेल ऑयल यूज़ कीजिए। आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, सबके लिए भी अच्छा है। और मैं ये बताऊंगी आपसे कि मैंने जब डाइट चार्ट शुरू किया तो मैंने खाना कैसे बनाया, मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी, पहले आपसे बात शेयर कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बनाया वन पॉट मील। वन पॉट मील का मतलब है कि एक ही कुकर में दाल डाल दिया, प्याज, टमाटर, सब सब्जियाँ, जितनी सब्जियाँ हैं एक ही कुकर में डाल दी, पानी डाल दिया और विसल दिला दी, वन पॉट मील। और जब भी खाना खाओ छोटे बर्तन में खाओ, छोटे बॉल में खाओ, और टीवी देखकर खाना प्लीज़ न खाएं। जितना टीवी देखकर खाना खाओगे तो भर भर के खाना खा लोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कितना खाना खा लिया। फिर जैसे आप टीवी देख के कोई सीरियल टीवी देख रहे हो, आप सीरियल चला रखा है आपने और ऊपर से आप खाना खा रहे हो, आप कोई ऐसा सीन आता है कोई इस तरह की, भाई आज क्या हो गया, सस्पेंस कुछ है, तो आपने दो रोटी कब खा ली आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने दो रोटी कब खा ली। आप टीवी में ही खोए रहोगे कि आपकी रोटी दो कब खत्म हो गई। तो मैं यही कहूंगी, टीवी देखकर खाना न खाएं, खाना धीरे खाएं और छोटे बर्तन में खाएं, वन पॉट मील का खाना खाएं, वन पॉट मील। उसमें आपका खाना जल्दी भी बनेगा, कोई झंझट भी नहीं है। और मैं लास्ट में अपनी सब फ्रेंड्स को बोलूँगी, लव यू, आपकी वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ और इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे, मैं सब बोल सकती हूँ, अच्छे से बोल सकती हूँ। और मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठी थी अभी भी, बस अब मन किया और मैंने वीडियो बना लिया। तो वो मेरे को हिम्मत आपसे आती है, आपकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा साथ दीजिए और वीडियो देखते रहिए। नमस्ते।